आचार संहिता के लागू होते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ अमेठी के डीएम और एसपी रोड पर आए और फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों को लेकर पुलिस अधीक्षक अमेठी से हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, क्या है, किस तरीके से चुनाव को लेकर? देखिए, सभी पुलिस फोर्स इस समय चुनावी मोड में, जिला मुख्यालय भी है, वहाँ पर फ्लैग मार्च सीआरपीएफ के साथ कर रहे हैं। हमारे अंतर जनपदीय बॉर्डर पे 32 बैरियर लगाए गए हैं, जो कि लगातार अवैध वस्तुओं, वाहनों, व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे हैं। कोई भी मनी पावर, मसल पावर या चुनाव को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि पे हमारी लगातार नज़र है। सभी मतदाताओं से हमारी अपील है कि वो किसी भी प्रकार का कोई भी भय महसूस ना करें, उसके लिए पुलिस फोर्स उनके साथ है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे साथ में अमेठी की डीएम निशानंद जी भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आचार संहिता आज लग गई है और इससे में प्रशासनिक तैयारियां क्या हैं, किस तरीके से अमेठी जनपद में तैयारी की गई है। जैसा कि आप अवगत हैं, एमसीसी लग चुकी है और अमेठी में फिफ्थ फेज में इलेक्शन होना है। ईसीआई के निर्देशों के क्रम में हमारी विभिन्न प्रकार के नोडल्स, विभिन्न प्रकार की टीम्स, सेक्टर जोन्स की ट्रेनिंग सब हो चुकी है और फिलहाल जैसे कि आपने बताया, देखा भी कि हम लोग रूट मार्च पर थे गौरीगंज में एसपी साहब के साथ, सीएपीएफ की कंपनी के साथ और सभी एफएसटी की गाड़ियां भी अभी धरातल पर हैं, सब मूवमेंट में हैं। ये अमेठी जनपद के डीएम और एसपी थे जिन्होंने चुनाव को लेकर एक तैयारी की है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। योगेंद्र श्रीवास्तव, इंडिया डेली लाइव, अमेठी।